हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को दिया एक और सौगात। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में 100 शैया युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का फीता काट कर किया शुभारम्भ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 50 करोड़ 75 लाख की लागत से कुल 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वस्थ माँ और बच्चा देश का होता है धरोहर। यदि समय से गर्भवती माँ बच्चे का टीका लगा दिया जाए तो दोनों ही रहेंगे स्वस्थ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर लोकसभाओं सभा क्षेत्र के सांसदों व विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला महिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख अधीक्षक पर लगे आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच चल रही है, जांच के बाद जिन पर जो आरोप सिद्ध होगा उस पर कार्रवाई होगी जरूर। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएसी की सीधी भर्ती परीक्षा। एक केंद्र पर मचे अफवाह के कारण दूसरी पाली की परीक्षा हुई स्थगित। सोमवार को अब दूसरे केंद्र पर होगी परीक्षा। बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक। संगठन को मजबूत बनाने सहित व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणा हनुमान प्रसाद पोद्दार विषय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। बुरदिलपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ में लगी आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। और 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने दिया धरना। जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद।